तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांस सॉर्टिंग। अब एडवांस सॉर्टिंग कोई अलग से फंक्शन या कोई ऐसा नहीं है, सॉर्टिंग को ही हम कई सारे ट्रिक्स के बारे में जानेंगे। तो सॉर्टिंग यूज कर रहे थे उसी को थोड़ा सा उसमें ट्रिक्स ऐड करेंगे तो एडवांस सॉर्टिंग हो जाता है, ठीक है। क्योंकि पिछली बार जो वीडियो में अपलोड किया था यूट्यूब पे, तो बहुत सारे बच्चों ने पूछा था एडवांस सॉर्टिंग का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, और एडवांस सॉर्टिंग को ये समझ लेते हैं कि डेटा बार में जो एडवांस सॉर्ट होता है उसको समझ लेते हैं। ठीक, इसी पे भी मैं आऊँगा, लेकिन उससे पहले हम सॉर्टिंग के ट्रिक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हम शुरू करेंगे, लास्ट क्लासेस में हमने एक एग्जाम्पल बताया था कि मुझे अगर इसमें हर एक कॉलन के बाद एक रो इंसर्ट करना हो तो कैसे होगा, हर एक रो के बाद एक नया रो इंसर्ट करना है। तो उसके लिए हमने आपको बताया था कि हम यहाँ सीरियल नंबर लेंगे, यहाँ पे 1, 2, 3 ऐसे लिख देता हूँ मैं और ड्रैग कर देता हूँ, और इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ। जब इसको सिलेक्ट करके हम यहां से कस्टम शॉर्ट करेंगे, यहां होम में कस्टम शॉर्ट, और कस्टम शॉर्ट में हम बात करते हैं सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग शॉर्ट कर देंगे, तो एक के नीचे इस तरह से ब्लैंक आ जाएगा। फिर हमने बोला था कि अगर मान लीजिए मुझे इस ब्लैंक लाइन को हटाना है तो फिल्टर करके हटाने में काफी टाइम लगता है, तो कैसे हटाएं, हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और सिलेक्ट करके हम शॉर्ट करते हैं। शॉर्ट करते समय हम किसी भी एक कस्टमर के अकॉर्डिंग शॉर्ट कर देते हैं, तो इससे होता क्या है कि आपका जो ब्लैंक सेल है वो डिलीट नहीं होता है, वो नीचे चला जाता है, तो इससे आपका बहुत टाइम बचता है और पीछे का डेटा डिलीट होने के चांसेस भी घट जाते हैं। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि मुझे हर तीसरे के बाद एक लाइन ऐड करना है, अब इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे डेटा में जैसे कि 1, 2, 3 हुआ, नीचे उसका टोटल ऐड करना है, इस तरह से टोटल का कॉलम देना है आपको, तो टोटल कॉलम देने के लिए हमें इसका चाहिए होता है कि यहाँ एक ब्लैंक लाइन इंसर्ट करें, तो इस तरह से टोटल देने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो हम चाहते हैं कैसे करें, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हर तीसरे के बाद चाहिए ना, तो हम 3 को 1 बार एक को 3 बार लिख देंगे, फिर 2 को भी हम 3 बार लिख देंगे, फिर इन दोनों को लेंगे और ड्रैग कर देंगे। नहीं, ड्रैग में नहीं आया, एक मिनट, यहाँ पे हम प्लस कर देते हैं, तो यहाँ पे हर नंबर 3 बार आना चाहिए, तो मैंने इसको प्लस कर दिया, तो हर नंबर जो है आप देखेंगे कि 3 बार आ रहा है। उसके बाद मैं इसको कॉपी करूंगा और इसी के ऊपर वैल्यू पेस्ट कर दूंगा, नीचे आता हूं तो हाईएस्ट 86 है, फिर यहां पे 1 से लेकर 86 तक का नंबर चाहिए। अब मुझे 86 तक नंबर 86 तक का नंबर मुझे लेकिन ड्रैग करने में दिक्कत होगा, तो मैं नीचे तक सेलेक्ट कर लिया और आपको मैंने बताया था सीरीज में गया और हमने बोला कि 86 तक का नंबर चाहिए, तो यहाँ पे 86 तक का नंबर यहाँ पे दे दिया। अब मैं इसको ड्रैग करूँगा, कस्टम शॉर्ट, और यहाँ सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग हमने शॉर्ट कर दिया, तो आप देखेंगे कि हर तीसरे लाइन के बाद एक ब्लैंक रो इंसर्ट हुआ है। अगर 2 लाइन इंसर्ट करना है तो सीरियल नंबर जो नीचे हमने कॉपी किया है उसको 2 बार कॉपी कर दीजिए, तो 2 ब्लैंक लाइन इंसर्ट होगा। अब इसका बेनिफिट क्या है, कोई ऐसा प्रोजेक्ट में बताएं तो सही रहेगा। चलिए, तो आपको हम एक प्रोजेक्ट में इसका बेनिफिट बताते हैं। तो मैं एक छोटा सा डेटा क्रिएट करता हूँ, और ये हमारा प्रोडक्ट के नेम है या डे भी हो सकता है, और फिलहाल मैं ज़्यादा नहीं 1 महीने का करता हूँ, सॉरी माफ कीजिए, पता नहीं क्या हुआ,
और यहां पे मैं रैन बिटवीन से अपना रैंडम नंबर लेके आता हूं, रैंडम नंबर लेके ध्यान से देखिएगा इसको सर, कॉपी किया और इस पे हमने वैल्यू पेस्ट कर दिया। अब मुझे क्या करना है काम क्या है कि ये मेरे सेल्स है, मुझे इसके बगल में इसका टारगेट अचीवमेंट डालना है, मतलब कि मुझे एक लाइन ऐड करनी है, यहां पे हमें परसेंटेज का सैंपल देना है और हर नंबर को 70 से डिवाइड करना है और नीचे की तरफ ड्रैग कर देना है, फिर इस पे हमें परसेंटेज का सैंपल दे देना है। अब एक को करने में मुश्किल से 10 सेकेंड के आसपास टाइम लगेगा और 30 है, 300 सेकेंड मतलब कि काफी ज्यादा, 30 है तो मतलब कि 3000 सेकेंड लगेगा ना, ये काफी ज्यादा टाइम कंज्यूम करेगा और गलत होने के चांसेस भी है, कहीं गलती से कुछ गलत कर दिए तो इसको, अभी चलो मान 30 है, अगर मान लीजिए 300 भी हो सकता है, 3000 भी हो सकता है, तो कैसे करें इसको। अब यहां पे जो मेथड हमने सॉर्टिंग वाली बोली है इसको यूज करेंगे, हम क्या करेंगे कि यहां पे ब्लैंक लाइन एक ऐड करेंगे, मतलब एक ब्लैंक रो ऐड करेंगे और यहां पे सीक्वेंस नंबर देंगे जैसे कि हमने रो में दिया, उसके बाद इसी सीक्वेंस नंबर को कॉपी करेंगे और यहां पेस्ट कर देंगे और नीचे हेडिंग हमें चाहिए परसेंटेज का, तो हमने परसेंटेज का हेडिंग या जो भी हेडिंग आपको चाहिए वो हेडिंग आप यहां पे डाल देंगे, हो गया। अब हम इसको शॉर्ट करेंगे, हेडिंग को सिलेक्ट मत कीजिएगा, 12 तक है तो 12 तक हमने यहां पे सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद हम यहां कस्टम शॉर्ट पे आते हैं और सबसे पहले ऑप्शन पे जाएंगे और हम करेंगे लेफ्ट टू राइट, जी हाँ लेफ्ट टू राइट, क्योंकि टॉप टू बॉटम में तो फिर ऊपर नीचे होगा ना, तो हमने शॉर्ट लेफ्ट टू राइट को सिलेक्ट कर लिया और रो नंबर 1 के अकॉर्डिंग शॉर्ट कर लिया तो मेरा आधा काम हो गया कि हर एक लाइन ब्लैंक लाइन इंसर्ट हो गया, बट एक काम मेरा अभी भी बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है कि इसमें हमें हर नंबर को 70 से डिवाइड करना, जी हाँ हर नंबर को 70 से डिवाइड करना, ये कैसे होगा, उसके लिए हम यहाँ फाइंड एंड सिलेक्ट में गो टू स्पेशल होता है, सिलेक्शन का काम करता है, तो जैसे कि मैंने बोल दिया ब्लैंक, तो ओके करते हैं, जितना इसमें ब्लैंक था वो सारा सेल कर लिया, ब्लैंक पे नीचे नहीं लेता है, मतलब कि जो यूज्ड सेल है उसी को लेता है तो अभी कर्सर कहां मेरा A1 पे, अभी एक छोटा सा थ्योरी समझ लीजिए, एक एरिया हमने सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट होने के बाद सिलेक्शन क्या है D5 से लेके P13, बट हमारा पास यहां एक्टिव सेल कौन सा है D5 है, अब इसमें कुछ भी हम डाल के एंटर मारेंगे तो नीचे आ जाए, लेकिन कुछ भी डाल के एंटर के जगह पे हम कंट्रोल एंटर प्रेस कर दें तो सिलेक्टेड एरिया में कॉपी पेस्ट हो जाता है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे सिलेक्शन किया, बट हमने ब्लैंक को सिलेक्ट किया ताकि हमारा डेटा ना हटे, लेकिन यहाँ A1 पे कर्सर है तो मैं टैब प्रेस करूंगा तो देखिए यहाँ C3 आ गया, अब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा डिवाइड बाई 70 या जो भी फॉर्मूला आपका है, अब यहां मैं नॉर्मल एंटर प्रेस नहीं करूंगा, मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल एंटर, उसके बाद परसेंटेज का सिंबल दे दिया और फिर जो फालतू के कॉलम जो आपने ऐड किए थे उसको आप यहां से डिलीट कर दीजिए और डेटा को एक बार चेक कर लीजिए कि आपका डेटा ठीक ठाक हुआ है, जो काम घंटों का था उसको हमने कुछ सेकेंड्स में कर दिया, समझे दीपक जी। यस सर क्लियर, क्लियर है ना सर्वे, आपको क्लियर है, क्लियर है, और भुवन जी आप तो लेट आए हैं तो आपको तो रिकॉर्डिंग ही मिलेगा, ठीक है ठीक है। अब सॉर्टिंग के बाद
सॉर्टिंग तो समझ में आ गई, हम बात करते हैं फाइनल सिलेक्ट में गो टू स्पेशल क्या है। फाइनल सिलेक्ट में क्या है कि सिलेक्शन है, मतलब जैसे आप नॉर्मली सिलेक्ट करते हैं ना, इसके लिए फीचर दिया गया। तो गो टू स्पेशल बोलता है, जैसे कॉपी पेस्ट स्पेशल बताता है आपको कि आप क्या क्या पेस्ट करना चाहते हो, उस तरह से आपको गो टू स्पेशल बताता है कि आपको क्या क्या सिलेक्ट करना है। जैसे हमने बोल दिया कंटेंट्स, और हमने बोला कंटेंट्स में सिर्फ हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, तो जहां टेक्स्ट है हमारा वही एरिया सिलेक्ट हुआ, नंबर सिलेक्ट नहीं हुए। ऐसे ही अगर मैं बोलता हूँ यहाँ से भी कंट्रोल जी से भी लाया जा सकता है, कंट्रोल जी एंड यहाँ स्पेशल। अब मैं बोलता हूँ कि मुझे फॉर्मूला, हमें फॉर्मूला सिलेक्ट करना है जिसका रिजल्ट नंबर है, तो हमारा फॉर्मूला सिलेक्ट हो जाएगा, वो भी रिजल्ट नंबर वाला। तो ये आपका गो टू स्पेशल सिलेक्शन के लिए। तो ब्लैंक, करेंट रीजन कंट्रोल ए, एरे को या जितने भी ऑब्जेक्ट्स को, उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग को, विजुअल सेल्स को, ये सब वो सिलेक्ट करता है। अब बात करते हैं अगला टॉपिक फिल्टर। तो फिल्टर में क्या है, फिल्टर की बात करें तो फिल्टर जैसे कि आप समझते हैं, मोस्टली मुझे लगता है आप लोग यूज भी करते होंगे, फिल्टर का यूज होता है डेटा फिल्टर करने के लिए। तो मैं फिल्टर अप्लाई करता हूँ। अब जैसे मेरे पास डेटा है, मुझे इसमें सिर्फ क्वार्टर वन का डेटा चाहिए, तो यहाँ से हम यहाँ पे जाएंगे और क्वार्टर वन को चेक करेंगे एंड ओके कर देंगे, और इसको फिल्टर हो गया। अब मुझे सिर्फ क्वार्टर वन का दिखेगा, इसको कॉपी करके कहीं ले जाना, ले जाइए, देखना है देखिए, कुछ भी कर सकते हैं इस पर। लेकिन इसमें भी कंडीशंस हैं, तो इसका तीन कंडीशंस होते हैं, टेक्स्ट फिल्टर, नंबर फिल्टर एंड डेट एंड टाइम फिल्टर। अब टेक्स्ट फिल्टर क्या होता है, टेक्स्ट फिल्टर जैसे कि मान लीजिए कि आपका यहाँ इसी में बात करते हैं इसमें, तो ये आपका एक तो चेकबॉक्स पे क्लिक कर दीजिए, इसके अलावा यहाँ आपके पास आता है कंडीशन इक्वल, कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट को डज नॉट इक्वल, इसके अलावा कोई टेक्स्ट विगन भी, आपको कंप्लीट स्पेलिंग ना पता हो लेकिन इनिशियली वर्ड पता है, शुरुआती वर्ड आपको पता है वो डाल दीजिए, एंड विथ लास्ट के वर्ड पता हो डाल दीजिए, कंटेंट मतलब कि उसके बीच में कहीं भी कोई एक वर्ड है उसके अकॉर्डिंग हमें करना है इसको डाल दीजिए, यहाँ पे डज नॉट कंटेन विथ इसके अलावा, और यहाँ कस्टम में आप दो दो कैटेगरी डाल सकते हैं कि दो कंडीशन ये होना चाहिए, ये होना चाहिए एंड और के साथ, तो एक कस्टम फिल्टर के यूज होता है। सेम उसी तरह से अगर नंबर पे आते हैं तो नंबर फिल्टर होता है, देखिए इसमें थोड़ा सा अलग हो जाता है, इक्वल डज नॉट इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन, बिटवीन, टॉप टेन, टॉप टेन की जगह पे आप टॉप फाइव भी कर सकते हैं, नंबर चेंज भी कर सकते हैं, तो आपका टॉप फाइव ही यहाँ फिल्टर हो गया आएगा। एक ही नंबर पांच बार रिपीट है तो पांच वही नंबर आएगा, ऐसा नहीं कि अलग अलग नंबर आएगा आपका, यहाँ से क्लियर कर सकते हैं फिल्टर को। उसके अलावा यहाँ पे आपका अबव एवरेज, एवरेज से ऊपर हो, बिलो एवरेज, एवरेज से नीचे हो, वो यहाँ फिल्टर कर देता है। फिल्टर बाय कलर, अगर आपने इसमें कुछ कलर कर रखा है तो इसके अकॉर्डिंग आप फिल्टर बाय कलर भी कर सकते हो, कि भाई कलर वाले ही को सिर्फ लेना है, उसी को फिल्टर दे देगा। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए इसमें डेट डाल रखी है, जैसे मान लीजिए मैं फिल्टर हटा देता हूँ यहाँ से, और मैं यहाँ पे डेट डाल देता हूँ। डेट फिल्टर में थोड़ा सा एक है, आप उसको देख लीजिएगा, मैं इसको एक बार फिल्टर लगाता हूँ डेट का। तो डेट फिल्टर में एक तो आपका ईयरली इस तरह से कंबाइन हो गया आएगा, राइट, ईयर 2020 का चाहिए, 2020 में मुझे चाहिए मान लीजिए मई का, मई के अंदर आपके डेट्स आ जाएंगे, यहां से चेक करके उठा सकते। उसके अलावा डेट फिल्टर में आइएगा तो यहाँ पे देखिए बिफोर, यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं जैसे सिस्टम डेट से कनेक्टेड है सर, जैसे आपने इक्वल पर्टिकुलर डेट बिफोर उस डेट से पहले, आफ्टर उस डेट के बाद, बिटवीन उस डेट के बीच की वैल्यू को फिल्टर करना चाहे, क्लिक करेगा डालने के लिए बोलेगा, आप डेट डाल दीजिए। अभी हो गया, इसमें डेट को डालने की जरूरत अब नहीं है, टुमारो ऑटोमेटिक कल की डेट 22 मई की डेट को फिल्टर कर देगा, टुडे आज की डेट को, स्टरडे, नेक्स्ट वीक, दिस वीक, लास्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, दिस मंथ, लास्ट मंथ, नेक्स्ट क्वार्टर, दिस क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर, नेक्स्ट ईयर, दिस ईयर,
लास्ट ईयर और ईयर टू डेट अगर करते हैं तो 1 जनवरी से लेकर 21 मई तक का डे आपको सिलेक्ट हो जाएगा। तो सिस्टम डेट से कनेक्टेड है, आपको इसमें डेट डालने की जरूरत नहीं। जैसे मैंने मान लीजिए कि मैंने दिस वीक कर दिया तो ऑटोमेटिकली 17 से 23 मई का डेट आपको आ गया। अब यहां पे एक चीज और है, यहां पे आप मान लीजिए कि मेरे पास 2 साल का डेटा है, तो यहां पे देखिए लिखा हुआ है ऑल डेट इन पीरियड। अगर हमने क्वार्टर वन किया तो 2021 का भी क्वार्टर वन एंड 2020 का भी क्वार्टर वन दोनों ले लेगा। ऐसे जनवरी मैंने किया 2021 का भी जनवरी और 2020 का भी जनवरी दोनों ले लेगा। तो इसमें क्या होता है कि ईयर मायने नहीं रखता है, ईयर मायने रखता है, वो बाकी इसको मैच करता है। ठीक है, क्लियर है सर। एक चीज और भी है, जैसे अब फिल्म का यस डेटा आपको कॉपी करना है, अगर मैंने क्वार्टर वन यहां से सिलेक्ट कर लिया, मुझे इसको कॉपी करना है, तो कॉपी करने से पहले ध्यान रखिएगा कि आप सिलेक्ट कर दीजिए और फाइन यहां गो टू स्पेशल में और यहाँ पे विजुअल सेल्स ओनली करें और फिर या आपको कॉपी करें। ऐसा क्यों बताता हूँ, इसके एक अलग सेल भी बताता हूँ। जैसे कि हम जब फिल्टर करते हैं तो क्या होता है, हमारा कुछ डेटा हाइड हो जाता है। ठीक है, जब आप कॉपी करके पेस्ट करते हो तो हमेशा नहीं बट सम केस में आपका पीछे का डेटा भी पेस्ट हो जाता है। तो ये क्यों होता है, इसके कई सारे कारण है, उस कारण पे ध्यान मत दीजिए। आप अपने हैबिट में डाल दीजिए कि इसको कॉपी करने से पहले मैं गो टू स्पेशल में जाऊंगा और यहां से हम विजुअल सेल्स को सिलेक्ट करूंगा एंड फिर डेटा को कॉपी करूंगा। मैंने अभी आपका होम मेनू बार खत्म कर दिया। जी हाँ, होम मेनू बार, अब ये जो आइडिया जो फॉर्म दिख रहा है ना, ये अलग से हैड किया गया है आपके होम मेनू बार में, आपके सिस्टम में नहीं होगा। आइडिया तो आता है कि इसके बारे में आइडिया कुछ ढूंढना है तो सर्च से उनके दिखाता है, वो अलग चीज है, हेल्प है समझिए ना। तो आपका होम मेनू बार खत्म हो गया है, लेकिन अब हम इंसर्ट में जाएंगे पिवट टेबल के लिए। लेकिन उससे पहले आप क्या कीजिए कि होम मेनू बार के जितने भी ऑप्शंस है उसको एक बार स्टडी कर लीजिए। कोई अगर ऑप्शन ऐसा हो जो कि मैंने नहीं पढ़ाया हो या पढ़ाया हो लेकिन आपको समझ में ना आया हो, आप दोबारा पढ़ना चाहे उसके लिस्ट आप लोग बना के मुझे मेल कर दें, कल हम इस पे डिस्कस कर लेंगे। साथ में हम आपको कुछ क्वेश्चंस देंगे टेस्ट जो कि होम मेनू बार से होगा, आप उसको फिल करके भेज दीजिएगा ताकि मुझे पता चलेगा कि हाँ आपने अभी तक क्या पढ़ा है। फिर उसके बाद हम पिवट टेबल स्टार्ट करेंगे। सर इसमें एक क्वेश्चन था मेरा, पूछिए। एक क्वेश्चन था सर इसमें मेरा। हाँ पूछिए। सर जब हम शॉर्टिंग करते हैं मान लीजिए, और उसमें पहले से मेरा कोई भी डाटा वी लुकअप या किसी फॉर्मूले से मैंने उठाया हुआ है, उसके बाद में शॉर्टिंग करता हूँ, तो क्या वैल्यू सर चेंज हो जाती है उसमें? नहीं, वैल्यू चेंज नहीं होती है। होता क्या है कि जैसे फॉर्मूला है राइट, जी शॉर्ट होगा तो पूरा का पूरा डेटा ऊपर जाएगा। ऐसा नहीं है कि शॉर्ट होगा तो सिर्फ यही सिर्फ ये उठ के जाएगा, नहीं, ये पूरा रो जहां भी जाएगा वहां पर जाएगा। नहीं सर, अगर मान लीजिए मैंने कोई वैल्यू इसमें व्यू लुकअप से उठाई हुई कोई है, चेंज नहीं होगा, नहीं होगा? किसी भी तरह का चेंज नहीं, नहीं। जी, ठीक है ना। ओके। अगर चेंज हो गया फिर शॉर्टिंग का मतलब भी क्या रहा है? एक चीज और नहीं ध्यान रखिएगा, अगर जी, आपने शॉर्ट कर लिया तो फिर उसको वापस अंडो नहीं कर सकते, मतलब कि अंडो तो कर सकते हैं लेकिन सेव करने के बाद क्लोज करने के बाद अंडो वापस, मतलब कि जैसे मान ले 5 साल शॉर्ट कर लिया, आप चाहते नहीं मेरा डेटा जैसा था वैसा हो जाए, आया था तैसा हो जाए, नहीं होगा ये। वो पॉसिबल हाँ वो पॉसिबल नहीं। हाँ अगर आपका डेटा पहले से किसी सिक्वेंस में अरेंज था उसमें वापस शॉर्ट कर लीजिए, जैसे सीरियल नंबर वाइज पहले से शॉर्ट था आपका या नेम वाइज था तो कर सकते हैं, लेकिन डेटा आपका रैंडम था, कोई ऐसा नहीं था कि इसका शॉर्ट का सीक्वेंस नहीं था तो वापस नहीं होगा। रैंडमली नहीं होगा वो, जी बस। हाँ, ये चीजें नहीं है, ये चीजें एमएस एक्सेस में है, एमएस एक्सेस में ऐसा कर सकते हैं। ओके, कोई ओके सर, नो डाउट? सर, तो ठीक है, आज की क्लास में यहीं पे खत्म करता हूँ।
और आप लोगों को मैं ये भी होमवर्क ये देता हूँ कि होम मेनू बार का हर एक ऑप्शन को आप अच्छे से स्टडी करेंगे। ये वीडियो मैं YouTube पे डाल दूंगा, अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब किया होगा तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, नहीं तो मेरी वेबसाइट पे मेरी चैनल पे जाइएगा, चैनल के लिए IPT इंडिया सर्च कीजिएगा, आ जाएगा। ओके सर, थैंक यू।